बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। मॉर्निंग विद जुगन की बात करते हैं व्यूअर्स, तो मॉर्निंग विद जुगन में 2022 में हमने क्या करना है, कुछ हम इसके ऊपर, बल्कि कुछ क्या काफ़ी दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी कोशिश होगी एज अ टीम कि हम 2022 में आपको मज़ीद और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करें जिसको आप इंजॉय भी कर सकें लेकिन कुछ सीखने का मौका भी मिले। और उस अच्छे कंटेंट में जो हम चीज़ इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं वो है पाकिस्तानी सक्सेस स्टोरीज़। हम लोग हमेशा मीडिया को के लोगों को या सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं और सोचते हैं कि ये वो लोग हैं जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं। एक्चुअली तो व्यूअर, सक्सेस स्टोरी वो इंसान है जिसका जो किसी वजह से एक बुरे हालात पे था या उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी और किसी ठेले से काम शुरू किया और अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले गए और एक सक्सेस स्टोरी बन पाए। सक्सेस स्टोरी वो शख्स है जो किसी के घर में एज अ स्टाफ मेंबर काम करते हैं लेकिन उन्होंने अपने सब बच्चों को पढ़ा दिया और जैसे हमारे घर में एक ऐसे शख्स काम करते हैं, नाम नहीं उनका लेना चाहूँगी, बहुत ही प्यारे नफीस शख्स, उनकी बेटी का माशाल्लाह मेडिकल स्कूल में, मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया है और अब स्कॉलरशिप के लिए भी एफर्ट किया जा रहा है एंड ऑब्वियसली जैसे भी मैनेज करके उस बच्ची को अब मेडिकल कॉलेज हमने भेजना है। क्यों? क्योंकि पढ़ लिख के इस लेवल पे अपने आप को अगर उसने पहुंचा दिया है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है एज अ सोसाइटी के हम अपना हिस्सा डालें। तो पॉइंट ये है कि कोशिश ये होगी कि जो हमारी पाकिस्तानी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, आप में से वो लोग जिन्होंने किसी भी तरह से अपने हालात और अपने सर्कमस्टांसिस को फेस करते हुए आगे बढ़े हैं, हम आप लोगों को ट्रिब्यूट पेश करना चाहेंगे। एंड जो थर्ड चीज़ है वो बाकी दोनों चीज़ों से कनेक्टेड है, वो है हेल्प पीपल थ्रू द शो। इस शो के थ्रू लोगों की मदद करनी है, लोगों की हेल्प करनी है। अगर कोई किसी मसले में है, किसी प्रॉब्लम में है तो हमने उनको सपोर्ट करना है। अगर कोई किसी के साथ कोई ज़्यादती हो रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उनको मंजर आम पे लेके आना है ताकि उनकी ज़िंदगियों को हम मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाएं और उनके मसलों में, उनके प्रॉब्लम्स में हम उनको हेल्प आउट कर सकें। व्यूअर्स, ये प्लेटफॉर्म जो एक होता है मॉर्निंग शो का या किसी भी अवार्ड सेरेमोनी हो, कोई भी मेजर ओकेजन हो, डांस या रक्स का जो एक एलिमेंट होता है उसके बगैर नामुकम्मल होता है। बिल्कुल ऐसे ही सारी जो हिट फिल्में होती हैं 90% वो अपने म्यूजिक और उसमें जो परफॉर्मेंसेज होती हैं उनकी वजह से हिट होती हैं। एक हिस्ट्री ऑफ फिल्म, एक हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स, टीचिंग डांस, अगर कहें कि ये खुद एक इंस्टीट्यूशन है इन हिमसेल्फ तो ये बात गलत नहीं होगी। जब भी किसी प्रोजेक्ट की बात होती है सबसे पहले यही कहा जाता है कि चेक करो वो फ्री हैं कि नहीं हैं, वक्त दे पाएंगे कि नहीं। बल्कि उस स्टेज पे बात होती है कि लोग कहते हैं कि जी आधे घंटे के लिए आके बस बता जाएं, बाकी हम संभाल लेंगे अगर आपके पास टाइम नहीं है। एंड जनरली अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, चाहे प्रोजेक्ट्स को प्रोड्यूस करने की बात करें या जनरली, मतलब अगर कहें कि एक कम्प्लीट इंस्टीट्यूशन ऑफ द मीडिया, तो ये बात गलत नहीं होगी। मैं बात कर रही हूँ दी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट पप्पू सम्राट की। अस्सलाम वालेकुम पप्पू भाई। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे वो प्यारे भाई हैं जिनका नाम लेते हैं तो सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। बहुत नवाजिश, बहुत भाई, इतने सोबर लुक के साथ आप आ गए। मैंने कहा शायद आपकी कोई एंट्री हो। अच्छा भाई, तुम्हें पप्पू भाई को कभी देखे ना सिखाते हुए किसी को, और स्पेशली जो एस्टैब्लिश्ड मेल आर्टिस्ट होते हैं, लड़कियां तो फिर भी जो होती है ना, पप्पू भाई आ जाते हैं तो हम एक्साइटेड हो जाती है कि वो पप्पू बताएंगे ये होगा वो होगा वो होगा, और मैं तो उनको प्यार से कहती हूँ हेलो पॉप्स। तो मेरा तो इनके साथ अपना ही एक मजाक है, डरते डरते। मेरा बेटा है ना ये, माशाल्लाह। इतना हमारी उम्र पे फर्क नहीं है, आपकी मेरी मियाँ से कम उम्र है, ओवर हाँ। हमने ये डिस्कस कर लिया है, तो आप मतलब ठीक है, आप मेरे पप्पू भाई हैं लेकिन आप इतने बड़े नहीं है जितना आप। अच्छा, और पिछले 50 साल से तो खैर पैदा भी नहीं रहे, बट मतलब जब से काम कर रहे हैं हर किसी को बेटा कह रहे हैं, क्या मसला है आपको, क्यों हर किसी को बेटा बना लेते हैं, फिर अपनी उम्र बढ़ जाती है? मैं असल में ना मेरे अंदर का टीचर जो है ना मुझे मजबूर करता है कि मैं ये लफ्ज़ बोलूं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं चाहे वो 60 साल का हो चाहे वो 100 साल का हो, वो मुझे मेरे बच्चों की तरह ही लगता है। लेकिन बाबू देखिए, दो किस्म के लोग होते हैं दुनिया में, एक होते हैं किंग्स और एक होते हैं किंग मेकर्स। आप एक किंग मेकर हैं, आपने अपनी जगह भी बड़ी स्ट्रांगली इस्टेब्लिश की मीडिया में,
एज अ स्टार, एज अ सेलिब्रिटी, लेकिन आपने बहुत से लोगों के करियर्स को बिल्ड किया. डांस का कितना अमल दखल होता है किसी भी सेलिब्रिटी के या आर्टिस्ट के स्टार बनने में, इस पे मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा तबसरा करें. डांस बेसिकली एक ऐसा अमल है जिससे आप ऑर्गेनाइज हो जाते हो. आपको रिदम में चलना आ जाता है, रिदम में बात करना आ जाता है, रिदम में देखना आ जाता है. रिदम में बात करने का मतलब ये होता है कि आप जिस महफिल में बैठते हो उस तरह की बात करनी है, उस टोन में बात करनी है, उस सुर में रहना है. कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी टोन को बदल लेते हैं बिकॉज वो रिदम में नहीं होते. रिदम में होने से, क्योंकि कायनात रिदम में चल रही है, अगर कायनात रिदम में ना चल रही होती तो अब तक दुनिया उलट गई होती. वो लोग क्या करें जिनके अंदर एक कतरा रिदम नहीं है. नहीं, मुझे तो लोग ये तक कहते हैं खुदा का वास्ता लड़कियों की तरह चल तो लो. मेरे घर में नाम डंगर रखा हुआ है. नहीं, आप में था तो आज आप पाकिस्तान के सेलिब्रिटी में से आते हैं. पाकिस्तान का बड़ा नाम है आपका. तो ऐसे कोई नहीं आता जब तक उसमें कोई सलाहियत ना हो. हाँ, बट रिदम की कमी जरूर है. ये तो बाबा आपको मानना पड़ेगा. पप्पू ने एक दो दफा गाना दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा. अच्छा, मैं ना ये उन्होंने कहा, अच्छा पप्पू भाई ना ऐसे करके करे, मैं करूँ कि तुम्हें हो क्या रहा है? जीरो लचक, जीरो अदाज. बल्कि कल कौन हमारे शो में था तो मैं यही कह रही, कल हमारे सेट पे कोई बच्ची आई तो मैंने घूम के कहा है मेरी भी बड़ी. हाँ, आशिया हमारे साथ थी. आशिया थी तो मैंने कहा हाय काश मेरे अंदर भी ऐसी कुछ एक डेढ़ अदा आ जाए. तो यू नो, ऐसे करके बैठना, ऐसे करके बात करना है ही नहीं. जरूरत नहीं है आपको. इंजन में कमी है बड़ी. जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है. अच्छा पप्पू भाई, 2021 आपके लिए कैसा साल था? देखिए, ये जो दो साल काम के पॉइंट, दो साल पिछले जो गुजरे हैं बहुत हैक्टिक गुजरे हैं. जिंदगी जो है वो पता नहीं किस तरफ चल पड़ी, क्योंकि ना ही तो कुछ काम किया इतना, और अगर काम किया भी तो, क्योंकि ये जो काम जो हम करते हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हम अपने कमाई के लिए या इस तरह. ये भी सही है कि पैसा भी आना चाहिए, बट ये जो हम काम करते हैं ना, ये मेरी एनर्जी है, ये मुझे एडिक्शन है इस काम की. जब तक मैं स्टार्ट साउंड ना कहूँ, जब तक मैं कैमरा ना कहूँ, जब तक मैं एक्टर को एक्शन ना बताऊँ, एज इट इज़ फॉर फ्री सिखाते हैं. एक आपका पैशन है, और मैंने बाय द वे ये बात जो पप्पू भाई की मुझे इतनी प्यारी लगती है, रीमा, जो मैं अक्सर लोगों को भी कहती हूँ कि ये वो वाला इंसान है, ज़रा सा किसी को ट्रबल में देखेगा उसको उठा के इधर पहुँचा देंगे, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये वैसे ही कर रहे हैं. लोगों को लगेगा कि जैसे पता नहीं कुछ, शायद इसके पीछे कोई रीज़न है. ये तो अल्लाह का काम है, ये तो अल्लाह के काम है. मैं कुछ भी नहीं, मैं तो आम सा आदमी हूँ, लेकिन कोशिश करता रहता हूँ कि अगर मैं किसी की हेल्प कर सकूँ तो. बट पिछले दो साल से आपने कहा जिंदगी किस डायरेक्शन में निकल पड़ी है, मैं तो ये कहूँगी कि निकली क्या, वो तो रुक ही गई थी. दो साल तो जिंदगी रुक गई. वही यूं, और चूल्हे बंद हो गए, घरों के लोग घर से बेघर हो गए. बड़ा बहुत बहुत लॉस हुए हैं. और दूसरा सबसे ज़्यादा जो जो जिस बात का, क्योंकि इस बीमारी से इतना खौफ आ रहा था कि अपने बच्चों को देखते रहते थे, अपने घर वालों को देखते रहते थे कि किसी को कुछ हो तो नहीं गया है, किसी को खांसी होगी तो डर गया है बंदा, किसी को दो दफा कोविड हो चुका है, एक दफा प्रेगनेंसी, खौफ रहा है. नूर को फीड कराते हुए हमारा तो काम ऐसा है, और एक परमानेंट गिल्ट कि हम अभी बाहर से मिल के आए हैं सबको. हाँ, बच्चे को गोद में उठाया है, कुछ हो तो नहीं जाएगा. ये रहा है. हाँ, शूटिंग पे गए, और क्योंकि हमारे जो लोग हैं, हम जब काम करते हैं तो हम बड़े फ्रेंडली हैं, दोस्तों के साथ जफियां डालनी, हाथ मिलाना. अब एक वक्त ऐसा आया जब कोई हाथ मिलाने आ रहा है, मैंने कहा ऐसे ही, तो वो ना बहुत मुझे मुझे अपने आप को बुरा लगता था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ. वो खौफ का आंसर आ गया. मुझे कोविड में कहा किसी ने कि कोविड में सबसे ज्यादा जुगन क्या मिस किया, मैंने कहा जफी. अल्लाह की कसम, जफियां खत्म होगी. माँ का जब गले लगाती है तो उसका तो कोई नेमल बदल नहीं है. आपका भाई आपको प्यार से आपके सर पे हाथ लगे, आपको गले लगाए, या मतलब आप अपनों को नहीं मिल सकते थे. क्योंकि हमारे फिल्म के लोग जो है ना, वो बहुत ही मजेदार लोग हैं, एक दूसरे से बड़े प्यार. जब ये आए तो मैंने सबसे पहले इनके गोटे को हाथ लगाया जब शुरू में हमारी. ये ना, ये हमारे काम का एक हिस्सा है. हम इसी तरह मिलते हैं सभी लोगों को, जितनी एक्टर्स हैं वो सभी गले लगा के मिलती हैं, एक्टर सारे.
टेक्नीशियन भी सारे, क्योंकि आप फैमिली बन जाते हैं पप्पू भाई, बिकॉज़ इतना टाइम एक दूसरे के साथ गुजारती है, एक प्रोजेक्ट भी आप साथ कर लें पप्पू भाई। हाँ। अब याद है जब हम शान के साथ हमने फिल्म करनी थी, वो नहीं अभी तो हमने वो जो शूट किया सो किया, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया आप लोगों ने मिलके, मैं बात कर रही हूँ जब हम को 10-12 साल पहले हम एक मूवी की बात कर रहे थे, चुप रहो, जो हम करना चाह रहे थे। अच्छा वो हम लोग एक मूवी पे काम कर रहे थे तो हम लोग डेली बैठते थे और आई थिंक 2-3 महीने पप्पू भाई हम लोग डेली मिले लगातार, हमारी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी कि हमने ये करना है, हमने ये करना है, ये कॉस्ट्यूम है। तो आपका घर वाला ताल्लुक ना हो, साथ उठ रहे काम कैसे करेंगे, रिलेशनशिप ऐसी बन जाए। बिल्कुल ऐसी, मैंने पिछले दिनों ने छोटा सा काम किया म्यूजिक के वाले से, तो वो नए 2-3 बच्चे हमारी टीम में इंजेक्ट हुए। और बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तक हम फ्रीली बात नहीं कर रहे थे उनको, अपने बच्चों की तरह, अपने भाइयों की तरह उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो मज़ा नहीं आता वो काम करने। बिल्कुल बिल्कुल मज़ा अच्छा, नहीं आता। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इस लड़के जिसका नाम है मिस्टर पप्पू सम्राट, इनके साथ क्या होने वाली है 2022 में, ये तो बताइए। पट्टू लड़का हम जरा ये ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, इसमें बड़े, इसमें अप्स भी हैं, डाउन्स भी हैं, रोना भी है, क्लाइमैक्स भी है, एंटी क्लाइमैक्स भी है, बकायदा मेरा भाई पूरी फिल्म है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, पप्पू सम्राट का फ्यूचर क्या है, क्या हमें और ब्राइट करना पड़ेगा या थोड़ा सा करना पड़ेगा ब्राइट। बरखुरदार इस लड़के का क्या होगा जो किसी सूरत अपनी उम्र को बढ़ाने के चक्करों में नहीं है, और हम बड़े तंग हैं इससे, मुझे लगता है हर साल इनकी उम्र कम होती है इसे। पप्पू भाई मजाल है, बल्कि आप और फिट हो गए, पहले फिर भी हल्की सी टिड्डी याद है निकली हुई थी, 10 साल पहले ना थोड़ी सी इनकी टिड्डी थी, हल्का सा हुआ था। मैं कहती पप्पू भाई इतना डांस करते हैं, इतना डांस, ये टिड्डी क्यों है छोटी सी, नन्नी सी, एक और छोटा सा पप्पू के ऊपर लगा हुआ था। तो मैंने कहा ये क्या कहानी है पप्पू भाई, और वो भी खत्म, क्या किया आपने? असल में मेरी एक्सरसाइज इतनी होती है, डांस की एक्सरसाइज इतनी होती है कि उसके बाद मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहती। नहीं बट आप क्या खुद भी उतना ही देखिए, क्योंकि हम जब कोरियोग्राफर्स को देखते तो उस वक्त तो इन द मोमेंट वो बता रहे होते हैं, बट क्या आप उतना ही करते हैं प्रैक्टिस जितना आप लोगों को कराते हैं, मतलब खुद भी आप? सबसे पहले तो मुझे करनी पड़ती है ना, मैं अपने जब भी किसी स्टूडेंट को बताता हूँ तो उससे पहले मैं खुद कंपोज करता हूँ अपने अंदर, पहले उसको दिमाग में बिठाता हूँ कि मुझे करना क्या है, फिर मैं उसको प्रैक्टिकल करता हूँ और फिर मैं उसकी टीचिंग करता हूँ। और ये आप क्योंकि अपने आप को तो इंसान फिजिकली तो नहीं देख सकता, तो क्या शीशे के सामने पूरा प्लान आउट करते हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि टीचर भी आप हैं और बताने वाले पहले आप? पहले अपने दिमाग में घुमाता हूँ, ठीक है, उसकी शक्ल देखता हूँ कि उसका स्केच बनाता हूँ कि इस, क्योंकि हर आर्टिस्ट का मिजाज और उसकी बॉडी लैंग्वेज अलहदा है। अगर आप किसी पर थोपना चाहें अपना डांस तो ये मेरे ख्याल से इसको कोरियोग्राफी नहीं कहते। ट्रू, आप आर्टिस्ट को देखो कि वो उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसको कितना करवाना चाहिए जिसमें वो अच्छी लगे या अच्छा लगे। अगर आप ये समझते हैं कि जी जो मुझे क्लासिकल आता है वो सभी को आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप देखिए ना जिस तरह मायरा खान है, आप उनको अगर क्लासिकल भी कराते हैं तो वो बड़ी ही खूबसूरती से और नफासत से कर लेती हैं, ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। वेस्टर्न एंड फंकी फ्यूजन की तरफ जाएं तो मैविश बड़ा अच्छा डांस करती है, मुझे आप कुछ भी कराएं तो आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। अच्छा अब बताइए कि इनका क्या होने वाला है इनका? अच्छा। एक तो क्या ये जो इस तरफ आए कोरियोग्राफी के लिए और जो ये सारा म्यूजिक और एक फिर एक टीचर और इंस्टीट्यूशन में, क्या ये इनका डिसीजन सही था? हाँ, ये ब्रेक में भी बात यही हो रही थी कि डिसीजन आपने लिया जो सबसे पहले ही बात कि हम अब आए जो है ना जो इस, आपने काम शुरू किया उसमें अगर जाए ना स्टार्टिंग में बिल्कुल बिगिनिंग में, अच्छा कोरियोग्राफी ज्वाइन करते हुए अडॉप्ट करते हुए आपको खासा रिग्रेट रहा थोड़ा अरसा, काफ़ी दो चार साल की यार ये मैंने क्या काम कर लिया, शुरू था, शुरू में था ऐसा? जीन्स में था सारा कुछ, ये रिग्रेट आपको रहा, वो रहा कि नहीं रहा? और आपने नए काम और 1-2-3 काम करने की सोची भी उस दौरान, करते भी रहे वो, करते रहे कोई ऐसे काम आप? बिल्कुल बेसिकली मैं सम्राट फैमिली से था
और सपोर्ट सपोर्ट भी थी कि आशिक हुसैन सम्राट का पोता है, मास्टर सदीक सम्राट साहब का पोता है, इनकी तहजीब अंजुमन उमराव जान और ये वो, अब दादा की फिल्में, फिर बड़े दादा की आशिक हुसैन सम्राट साहब की, फिर अबू की फिल्में, तो सपोर्ट मुझे इस तरह से हुई कि लोग थोड़ा प्यार करते थे, बट जब तक काम नहीं आता फिर लोगों का प्यार भी खत्म होना शुरू हो जाता है। और बात तो ये कि प्यार में एक दफा तो कोई आपको कुछ करा देगा, दे देगा काम उसके, और मसला ये होता है कि जब आप एक खानदान से बिलोंग करते हैं, ओ यस, तो फिर तो आपका म्यूजिकल फैमिलीज जो होती हैं और जो इस किस्म के बैकग्राउंड होते हैं, इतना प्रेशर, क्योंकि वो जैसे ही नाम आ जाता है ना सात सम्राट का, तो लोग कहते हैं हाँ जी ये तो बिल्कुल परफेक्ट होगा, आप चाहे वो 16 साल का लड़का हो, एक्सपीरियंस तो फिर भी काउंट करता है जो छोटी एज पे नहीं होता। तो आई थिंक आपने तो बहुत ये फेस किया कि दादा, देन 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 फादर, तो एक भाई, तो एक नेचुरल प्रेशर था। मैंने मेरे जो बड़े भाई खानो सम्राट साहब, अल्लाह उनको जन्नतों में घर करे, आमीन, व्हाट अ मैन, क्या मेरे बड़े भाई भी थे और असल में तो मेरे फादर थे वो, फादर भाई तो उन भाई की शक्ल में आए थे लेकिन बाप थे मेरे वो। उन्होंने मुझे 6 महीने ना एक कमरे में बंद कर दिया। मैंने उन्होंने देखा कि यार ये तो सिर्फ जुडो कराटे करता है, ये लड़ता है, फिरता है, आवारा है, क्रिकेट खेलने चला जाता है, कभी कुछ करने चला जाता है, तो उन्होंने कहा इसने तो काम सीखना ही नहीं है, उन्होंने कमरे में बंद कर दिया। और 6 महीने मुझे नहीं पता, मैं अपनी अम्मी से ना, अबू के साथ मेरी अटैचमेंट बहुत थी लेकिन अम्मी से ज़्यादा प्यार करता था, मैंने 6 महीने अपनी अपनी अम्मी की शक्ल नहीं देखी। अच्छा, उन्होंने अम्मी ने कहा कि नहीं जब कुछ 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 करके आओगे ना फिर मेरे सामने आ जाना। और माँ से एक दिन भी बंदा जुदा, क्योंकि हमारे खानदान में अब्बा कहते थे कि जो जो 16 साल की उम्र में नाम पैदा ना करे ना वो 50 साल की उम्र में भी नहीं करता। तो अब तुम्हारा 15वां साल है, आखिरी साल है तुम्हारे पास, अगर तुमने नाम पैदा कर लिया तो ठीक है वरना मैं तुम्हें गाँव भेज दूंगा। 15 years old, प्रेशर का लेवल हो, यस। अच्छा, फिर 6 महीने के बाद जब उन्होंने मुझे देखा तो अबू ने स्माइल की, सिर्फ अबू तारीफ नहीं करते थे, सिर्फ स्माइल की और कहा हाँ ठीक है ठीक है सही है, ऐसे ऐसे करते थे, इसका मतलब है कि वेरी गुड, ओ यस। और वो सब कुछ था, वही वही उसी में सब कुछ था वो, सही। अब गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहेगा लेकिन मैं व्यूअर्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अब हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी स्टार, बल्कि हमारी इंटरनेशनली रेनाउंड स्टार हमारे साथ है, बहुत ही मुनफरिद आवाज़ की मालिक, उन्हें पाकिस्तान के अलावा हमसाए मुल्क में भी बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और रिगार्ड मिली, और नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से आपको हर लेवल पर नवाजा गया। मेरा इनसे बहुत ज़्यादा प्यार है और आज बड़े अरसे बाद इनसे मुलाकात होने जा रही है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सनैलिटीज़, और ये तो बाकायदा इन्होंने हमें शो भी किया रिसेंटली एक फैशन शो में कि अगर कोई गिर जाता है तो सबसे पहले यही आगे बढ़ती हैं उस शख्स को उठाने के लिए। बहुत मेजर सपोर्ट सिस्टम हमारी इंडस्ट्री का, प्लेबैक सिंगिंग हो, मतलब ऑब्वियसली अपने एल्बम्स हो, म्यूज़िक हो, हर लेवल पे इन्होंने एक बहुत ही यंग एज पे अपने आप को बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन बना लिया, एंड वी एब्सोल्युटली लव हर। वो कौन है उनसे हम मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जिस सुपरस्टार की मैं बात कर रही थी ब्रेक से पहले, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा एसेट, जिन्होंने पाकिस्तान में तो नाम अपना कमाया ही लेकिन पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ाई इंटरनेशनली, अक्रॉस द बॉर्डर, ऑल ओवर द वर्ल्ड जब जाती हैं तो धमाकेदार परफॉर्मेंस देती हैं। बहुत ही खूबसूरत इंसान, इतना खूबसूरत इंसान, इतना खूबसूरत इंसान कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इनकी बबली और एक्साइटेड साइड देखती हैं, जो इनकी अंदर से एक सूफियाना और मोहब्बत से भरी हुई, वो जो एक्सप्लोसिव मोहब्बत वाली जो इनकी पर्सनालिटी है वो शायद इतने लोगों ने नहीं देखी होगी, क्योंकि जो बबली लोग होते हैं ना उनका पता नहीं चलता कि एक्चुअली वो अंदर से कितने सेंसिटिव और कितने खूबसूरत इंसान होते हैं।
इतने बड़े दिल की मालिक, इतना ज़्यादा टैलेंट की मालिक, हमारी सुपरस्टार, इंटरनेशनल फेम की शाज़िया मंसूर। I present you Miss Makhan and Mr. Makhna. Shazo, क्या बात है? पूरी गर्ल बन के आ गई हो आज. This is friends, fair or unfair? Friends, what is this girl situation? मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा बॉय बन के आई कि आज हम दोनों बॉयज करेंगे साथ शो. आप तो गर्ल बन के आ गई. बॉय बनी हुई, मैं थोड़ी सी गर्ल बन के पीछे खड़ी. अच्छा, आज हम तो आई एम बॉय, शी इज गर्ल. यू आर who? You are boss. You are Salam sir. Yeah, he is brother actually. For both of us. Brother from other mother. From other mother. Hello brother. चलो ऐसे कर लेते हैं. है ना? ऐसे कर लेते हैं. मैं ही कर लेते हैं. जब दोस्त मिल बैठते हैं तो मार. ऐसी बात ही भाई साइड पे ना ये होते जा रहे हैं. खौफ ज़्यादा हो कि ना एंजेंज करके कि ये कुछ मेरे साथ ना कुछ हो जाए. हमने कोशिश की इनको एंगेज करने की. लेकिन नहीं. बिल्कुल ही शौक डांस का. इतने बड़े जो है ना जो कोरियोग्राफर है, इतने बड़े से नन्हे कोरियोग्राफर के सामने मैंने गलत डांस किया ना. अरे इन्होंने इस गाने की बड़ी हया की है. जो इस गाने की कोरियोग्राफी भी इन्होंने की हुई है. ओह यस. और बल्कि लिरिक्स भी आपके साथ बैठ के इन्होंने करवाए. बैठ के कंपोजिशन, रिकॉर्डिंग, ईच एंड एवरीथिंग ये मौजूद थे. और आज इन्होंने जो हल्का फल्का डांस देखा है ना, वो उसी के से इंस्पिरेशन थी. पॉप्स, वी लव यू पॉप्स. अपने लिए तालियां बजाते हैं पॉप्स. नहीं, मैं अपनी जानों के लिए. मां सदमा से कंट्रोल कंट्रोल योरसेल्व्स. अभी मैं आती हूँ जरा, मैं कोलगेट की बात करके आई हूँ. सारे बैठ चलो, आइए सकले जाओ. हाँ जी, इधर आते हैं जरा हम जल्दी से. व्यूअर्स, जल्दी से याद कराऊंगी आपको, बल्कि ब्रेक के बाद वापस आके आपको बताऊंगी कि कोलगेट स्पार्कल क्यों आपके दांतों की मुकम्मल हिफाजत के लिए एक बेहतरीन टूथपेस्ट है. ये हम डिस्कस करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद. From the break viewers, जब अपने आपके इतने करीबी और इतने प्यारे अपने आपके साथ प्रोग्राम में होते हैं तो एक डिफरेंट ही किस्म की मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आती है. और जब मुस्कुराहट की बात करते हैं तो कोलगेट स्पार्कल जहन में आता है. क्यों? क्योंकि ये आपके दांतों के लिए एक परफेक्ट और मुकम्मल और बेहतरीन टूथपेस्ट है. इसमें तीन ऐसे इन्ग्रीडियंट शामिल हैं जो इसको बहुत ही मुनफरद, यूनिक और एक ब्रिलियंट ऑप्शन बनाते हैं दांतों को साफ रखने का. अब वो क्या है चीज़ें? एक तो लौंग है जो आपके दांतों के दर्द और आपके किसी भी दांतों ठंडे गर्म वाला इशू, इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करता है. एक तो लौंग इसमें शामिल है जिसको हम क्लोव कहते हैं अंग्रेज़ी में. उसके बाद इसके अंदर फ्लोराइड है. वो तो हम सब जानते हैं कि अपने दांतों को महफूज रखने के लिए, दांतों की मजबूती के लिए, कैविटीज़ कैरी से बचाने के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. एंड देन फाइनली मेरा फेवरेट, पर्ल पाउडर. इसमें पर्ल पाउडर शामिल है जो हमारे दांतों को चमका देता है और एक बहुत ही ब्राइट और शाइनी स्माइल जो है आपकी क्रिएट हो जाती है. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दांत मजबूत हो, खूबसूरत लगे, तो कोलगेट स्पार्कल का ज़रूर आपने इंतखाब करना है. आप हमें अगर तस्वीर भेजते हैं 03209463502 पे कोलगेट स्पार्कल को पकड़ के, तो ये जो बहुत ही अमेजिंग सा कोलगेट स्पार्कल का गिफ्ट हैम्पर है वो हम आपके घर तक आपको पहुँचा देंगे. अब तरीका ये है कि आपने एक तस्वीर भेजनी है हमें जिसमें आपने कोलगेट स्पार्कल को पकड़ा हुआ है या दांत ब्रश कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और जितनी इंटरेस्टिंग और मज़े की फोटोग्राफ होगी उतना ही ज़्यादा चांस है कि आपके घर तक ये गिफ्ट हैम्पर पहुंचाया जाएगा. तस्वीर भेजेंगे और फिर उसके नीचे अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपना मेलिंग एड्रेस जहाँ पर आप चाहते हैं कि हम आपको ये कोलगेट स्पार्कल का अमेजिंग सा गिफ्ट हैम्पर भेज दें. सो ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हम चाहेंगे कि आप पार्टिसिपेट करें. और कोलगेट स्पार्कल को इस्तेमाल कैसे करना है? प्रॉपर तरीके से अपने दांतों को दिन में 2 दफ़ा या अप टू 3 टाइम्स ब्रश करना है. और दांतों को महफूज कैसे रखना है? एक दफ़ा हर 6 महीने के बाद अपने जाके दांतों का चेकअप करवा लीजिए एक प्रॉपर मुस्तैद डॉक्टर से, एक डेंटिस्ट से. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर. अगर किसी चीज़ को आप पहले ही अवॉइड कर देते हैं तो आगे जाके उसका हल ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो कोलगेट स्पार्कल का इस्तेमाल ज़रूर करें और हमें भी अपनी तस्वीरें शेयर करें यूजिंग कोलगेट स्पार्कल, ताकि आप भी हमारी कोलगेट की फैमिली का हिस्सा बन सकें. चलते हैं अब हम किचन की तरफ गाइस. किचन में हमारे साथ शेफ
हुमा किरमानिया तो सारे अपने अपने सेट के ऊपर हैं, कुछ इतने ज्यादा अपने के बेगाने जो है वो भूल गए की है। आज पुलाव बन रहा है, गोश्त बिल्कुल यखनी पुलाव बना रही हूँ मैं, और जो है यखनी मैंने ऑलरेडी निकाल रही है, ये रही यखनी। और यखनी के लिए मीट जो था वो मैंने लिया था, हड्डी वाला मीट लेना है आपने, बोनलेस मीट किया पुलाव नहीं बनाना। उसमें साबुत गर्म मसाले डालने हैं और उसके साथ जो है लहसुन और अदरक धो लेना है अच्छे से, उसको छीलने की या बहुत ज्यादा कूटने की जरूरत नहीं है, बस मैंने रफली उसको। मैं इतना बता दूं कि हमारा अगर ये मटन पुलाव अच्छा ना बनाना, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, जिस किस्म के सुरीले और खानदानी लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं ना, उन्होंने सिर फाड़ देना है हमारा ऑन एयर। नहीं इंशाल्लाह ऐसा आपका सर आज सलामत जाएगा, आप मेरे पे यकीन करें। अच्छा जी, प्याज मैंने कर लिया है, सही है शाजो और मैं एटली, पता नहीं पप्पू भाई ने जिंदगी में कभी खाना खाया भी है कि हमसे तो नहीं उनके लगता, बट रीम भाई शाजी और मैं तो खाने के शौकीन हैं। बाकायदा और बात यह है कि हम खाने से गेज करते हैं कि अगला कितना खानदानी है, तो बड़ी बुरी बात है, किसी को जज नहीं करना चाहिए। और बाय द वे खानदानी का मतलब ये नहीं होता कि कोई अमीर है या बहुत ज्यादा, खानदानी से मुराद की मतलब जिनको प्रॉपर समझ है, सेंस है खाने पीने की। देखो जिसको खाने पीने की सेंस है उसको उठने बैठने की भी तमीज होगी, उसको बाकी गाने की भी और गाने की भी। और बाय द वे म्यूजिकल फैमिलीज के जो खाने का जो टेस्ट बार जो होते हैं वो अगले लेवल के होते हैं, शायद क्योंकि आप लोग शाजो इतने अपने, मैं आऊंगी आपके पास प्रॉमिस वापस, अभी मैंने जरा शाजो को तंग, शायद क्योंकि आप लोग इतने सेंसिटिव होते हो और इतना ज़्यादा अपने शोट का अपने वोकल्स का ख्याल रखते हो कि खाना, आप ये भी कह सकते हो लेकिन आर्टिस्टिक होना कुदरती तौर पे, तो खाना भी तो एक आर्ट है। ये भी सच है, ये भी एक आर्ट है, हर एक को बनाना भी नहीं आता। अच्छा एक बात बताएं, अब आप हमें क्या सुनाने जा रही है बातों के अलावा, क्योंकि अगले वहां बातें बहुत है, क्योंकि अगले मरहले में हम बातें इन दोनों की क्या कनेक्शन है, ये जो इतना ज्यादा आपस में इन दोनों के भाई बहन के लाड है वो क्यों है, क्या स्टोरी है, क्या हिस्ट्री है। वैसे तो मैं सदके ढोल मैया का जिक्र भी होगा आज, होगा बहुत जरूरी है, होगा हम उसका जिक्र करेंगे। और मैं पप्पू भाई की एक स्टोरी बताऊंगी जिनमें पप्पू भाई ने वो मैंने कैसे रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्ड उन्होंने करवाया था, और एक्ट करेंगे शो में, बता दें शाबाश ताकि जिंदगी खराब हो जाए। शाबाश, वैसे बड़ी अच्छी थी हमारी जिंदगी पप्पू भाई। आप शाजिया मंजूर हमारे साथ है, पप्पू सम्राट हमारे साथ है, और अजीम भाई आज हैं साथ लेकिन डांस करने से इनकार कर रहे हैं। कौन है आप, क्या मसला है आपको? सितारे बताता हूँ ना इनके। हाँ सितारे नहीं, आप अभी हौसला करें पहले, इन दोनों का जो आपस है, अच्छा आप दोनों का बहुत ज्यादा लाड है, लिटरली वो जो कहते हैं ना भाई बहन वाला लाड वाला आप लोगों का एक ताल्लुक है एक दूसरे के साथ, इसके पीछे कहानी क्या है? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने और पप्पू भाई ने, हम लोगों ने इंडस्ट्री में बहुत सारा इकट्ठा काम किया। मेरे जितने प्ले बैक सॉन्ग्स हैं आज, मतलब कौन है वो, कहाँ है वो, तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, चीफ साहब के हो गए, बाकी सारे, तो हमारा ताल्लुक जो है 92 से है फिल्म इंडस्ट्री से। तो अब हमारे लाड ना, हम तो जब यहाँ पर एक दूसरे को हमने देखा तो एक मिनट के लिए हमारा दिल किया सॉरी नईम साहब, हम जरा शो भूल जाएं, आपस में दो चार दुख तक और खुशी की बातें डिस्कस। अच्छा दुख की बात बताऊं कि एक औरत ने आके मुझे ताने मारे, तुम तो मेरा फोन नहीं उठाती, तुम तो ये नहीं करती, तुम तो वो नहीं करती। अच्छा मैंने फोन खोला, मैंने कहा आपकी एक मिस कॉल नहीं आई शाजू जी, ये कौन सा नंबर है तुम्हारे पास, ये तो बड़ा पुराना है। भाई नंबर बंदा चेंज करता है, बंदा मैसेज ही कर देता है कि यार मेरा ये नंबर है। ऐसी कोई अच्छा कैमरा मेरे मुंह पे लाओ, जरा लाओ, इतनी कोई अच्छी बच्ची है ना, इसका मतलब कुछ और है। हाँ। कि मुझे ये नहीं कह रही है कि मैंने तुझे याद नहीं किया, बहुत सारे इक्वेशंस ऐसे आए थे, मैंने ट्राई भी नहीं किया कि मैं रोजाना यहाँ सुबह आ जाती हूँ और नईम के पास मेरा नंबर है, बजाय मेरा नंबर क्रॉस, मुझे लगता था मेरे पास नंबर है, मुझे यहाँ पे बैठ गलत नंबर था मेरा, मैं बातें कर रही है, मारो खराब है, यहाँ पे धरना होगा आज ही प्लस पे, बोलने दो बोलने। अच्छा धरने में आप बैठेंगी, यानी कि आप यहीं पे रहेंगी कुछ दिन, तो यानी कि हर काम में, यानी कि हम कल भी शो कर सकते हैं हर काम में, ये धरने वाली लोकेशन पे हम कर लेंगे।
आप धरना करना, मैं विश और मैं शो कर रही हूं। बाय द वे हमारी जो एक बाय द वे एक तीसरा मेंबर भी था ना इस दोस्ती के गैंग का, जो है महविश, और सुना है कि उन्होंने भी कुछ कॉम्पोजिशन की तरफ रुझान कर दिया है। जनाब उसका काफी ज्यादा रुझान है कॉम्पोजिशन की तरफ और लिरिक्स की तरफ। पप्पू भाई आपके लिए बड़ी मजे की बात है, अभी उसने गाना लिखा है मोरनी मोरनी, और उस पर हमने वीडियो किया है, मैंने दीदार को और असद अली को इनको लिया था। अभी हमारा वीडियो वो रिकॉर्ड हो चुका है, बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगा, बट रिटन एंड कंपोज बाय महविश। अमेजिंग, तो ये एक डिफरेंट इसमें टैलेंट मैंने देखा है, तो वो भी साथ साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि मतलब हमारी बत्ती ऑन हो गई है, क्योंकि बत्ती ऑफ थी बस। हम जिसको जब भी पूछे, आई रिमेम्बर 10 इयर्स अगो व्हेन आई आस्क्ड के मैं क्या करने की थी, कुछ नहीं बस मैं शाजिया साथ हम बस, मैंने कहा हैं बीबी कुछ कार भी ले, तो अब माशाल्लाह 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 महविश कांग्रेचुलेशंस टू यू। मैंने कहा जो हमारे मेंबर्स होते हैं जो अच्छा कर रहे हैं उनको भी हमें पॉइंट आउट करना चाहिए, हमारी हमारा ये जो छोटा सा एक दुनिया है उसका। थैंक यू वेरी मच। आपका इनके साथ एक, मैं असल में आपको एक मज़े की बात सुनाता हूँ कि उस वक्त मैं शाजिया को नहीं जानता था। एक गाना आपा संगीता हमारी डायरेक्टर थी, तो वो हमारी जान है आपा संगीता, वो सच है स्वीट वुमन, स्वीट एंड वेरी डाडा, वो हमारी बहुत अमेजिंग, वो डायरेक्टर कम और हमारी अम्मा ज़्यादा हैं, वो हमारी फील्ड के लिए भी ज़रूरी है, वो हमें डांटते रहते ठीक रहते। तो वो उनकी फिल्म का एक गाना था, तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई हार, इतना सुरीला गाना। मैं आपा से कहूँ आपा ये किस लड़की ने गाया है, तो आपा ने कहा कि वो एक लड़की है शाजिया मंजूर। तो अब मैं गाना पिक्चराइज कर रहा हूँ और मैं फुल इन्जॉय कर रहा हूँ उस आवाज़ को कि भाई क्या बात है यार, कितना हसीन गाना इस लड़की ने गा दिया। फिर मैंने 100 रुपया अपनी जेब में रखा हुआ है कि मैंने उसको इनाम देना है, वो फिर बड़े उस लड़की को, उस लड़की को, और वो लड़की जो है वो माई मुंडा निकल आया। सुने तो वो जब ये मेरे सामने, ये तो छोटी सी थी उस वक्त बिल्कुल ही, ये सामने आई मेरे, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल छोटी सी है और इतना अच्छा रेंज है इस लड़की का और इतनी अच्छी आवाज, रब्बे करीम ने आपको क्या अता किया है भाई, मजा ही आ गया। बट एज के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर 100 की जगह 50 देने चाहिए थे। नहीं ये तो करोड़ वाले थे, मेरे पास 100 था ना, ये जो दाद मिल रही थी ये 50 भी ना होते ना तो 50 करोड़ की दाद ही होती मेरे लिए। बेशक आप तो, और ये एक ट्रेडिशनली एक चीज है इंडस्ट्री में व्यूअर्स के, एक इनाम देते हैं जो सीनियर होते हैं इंडस्ट्री में, वो जूनियर को एक इनाम देते हैं या अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि आपस में भी वो जो होता है ना कि ये एक वो बात पैसों की नहीं होती, वो एक तरीका होता है कहने का कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। तो फिर उसके बाद ना एक और बहुत मजेदार शाजिया ने एक काम किया जो मेरे रिकॉर्ड में आ गया। बेसिकली एक इन्होंने एल्बम की, ये जो आप सुन रही हैं ये एल्बम की इन्होंने, तो इसके लिए मुझे कहती हैं कि भाईजान आपने मेरी वोकल करानी है। मैंने कहा मैं म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं हूँ, नहीं वोकल आपने करवानी मेरी। मैंने कहा ये मैं इसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट हूँ, कहती आप नहीं समझेंगे आप मेरे साथ जाएंगे। मैंने कहा जी अच्छा ठीक हो गया। अब मैं सुबह एक दरवाज़ा खटखटाया किसी ने मेरा, मैंने देखा मैं अनएक्सपेक्टेडली शाजिया मंजूर सामने खड़ी हुई। मैंने कहा ये कहाँ आ गई। मैंने कहा जी शाजिया, कहती चले भाईजान। ओहो मैंने कहा कहाँ, कहती मेरी वोकल करानी है। कुड़ी कुड़ी सीरियस ही हो गई है। हाँ और ये जितने काम वाले लोग होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि जब उन पर इनाम होता ना रब का तो फिर ऐसे हो जाते हैं, वो अपनी चीज़ को बहुत गौर से देखते हैं, बड़ी बारीक बिनी से उसको सोचते हैं कि इस काम के लिए मुझे कौन सा आदमी चाहिए। तो मुझे तो ये वैसे ही बड़ी प्यारी लगती थी, मैंने तो इसको पहले दिन ही कह दिया, मैंने कहा तुम मेरी सबसे प्यारी बहन हो। आप यकीन करें जब वो गाना हो रहा था ना जुगन, तो सबसे अच्छी बात यह कि हम अक्सर कहते हैं कि जी नाचना जो है वो अज़ा की शायरी है। आवाज़ के ज़रिए से हम हीरोइन को एक कैरेक्टर देते हैं, उसको सोचते हैं कि वो क्या सोच सकती है इस गाने के बारे में। उस गाने को जब कैरेक्टराइजेशन में ढालते हैं वो पप्पू भाई, तो जिस बंदे ने उसको एंड वाली जो कहते हैं ना फॉर्मेट देना है, तो क्यों ना उसको पहले पकड़ो। मैंने इनको एक दफ़ा गाना करवाते हुए देखा था, तो ये जैसे गाना रिकॉर्ड करवाते हैं ना, आपको नहीं पता बहुत बड़ा कमाल है ये। मेरा एक गाना था आपका तेरी आंखों ने ज़रूर गाऊंगी, आपकी साहब सब की इजाज़त के साथ, बल्कि मैं की बात हमने ही के ढोल माया आ बैजा मेरे कोल माया
तो ये सामने खड़े होकर जिस तरह से पिक्चराइज करवा रहे थे और इनकी अदायगी ऐसी थी कि जैसे जैसे अदा करते जा रहे थे मैं वैसे वैसे गाती जा रही थी उस गाने को, और अभी तक वो मेरा फेवरेट तीन गाना है। अल्लाह खुश रखे आपको, जीते रहो। ओ मैं आपने तो खैर गाने गाए, आपने गायकी में अपना नाम बनाया, इज्जतें बनाई, लेकिन इसमें मेरे रिकॉर्ड में एक चीज़ आ गई कि मैंने शाज़िया मंसूर को गाना गवाया, वोकल्स मेरी वोकल करवाई उसकी, तो ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है। वोकल इन्होंने करवाई थी, ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि कोई भी पाकिस्तान की जो बड़ी स्टार एज अ डायरेक्टर एंड एज अ प्रोड्यूसर भी आप काम करते रहे हैं, एंड आपका उसमें भी आपके क्रेडिट को बहुत चीज़ जाती है, और आप और शान भी बहुत ज़्यादा क्लोजली काम करते हैं जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है। सो आई थिंक वक्त और एक्सपीरियंस आपको और भी बहुत सी स्किल सिखा देता है जो आपके पैशन से हटके होती हैं। अब म्यूजिक डायरेक्टर वॉज नॉट समथिंग जो आपने सोचा था अपने गेम प्लान में, लेकिन हो गया ये फिल्म। मैं ये समझता हूँ कोरियोग्राफी के लिए सिर्फ डांस लाजिम नहीं है, कोरियोग्राफी किसी और चीज का नाम है। कोरियोग्राफी जो है वो एक्टर को देखना है उसका कौन सा एंगल अच्छा है, वो हंसते हुए कैसे लगती है, वो नीचे मुंह करती है तो कैसे लगती है, वो ऊपर मुंह करती है तो कैसे लगती है, वो क्रॉस से कौन सी कैसे लगती, ये कोरियोग्राफर को पता होना चाहिए। उसके लिए आपको सिनेमाटोग्राफी का इल्म होना चाहिए, जिसका मैंने 10 साल मैंने पाकिस्तान के टॉप जो सिनेमाटोग्राफर हैं उनको असिस्ट किया। फिर उसके बाद आपको इसका एडिट का पता होना चाहिए कि ये इसका एडिट पॉइंट कौन सा होगा, मुझे अगर यहाँ से टर्न करके फिर इसके बाद कौन सा एडिट होना चाहिए, यहाँ लगना चाहिए कि यहाँ लगना चाहिए, ये भी कोरियोग्राफर को पता होना चाहिए। फिर उसकी प्रोसेसिंग तक का पता होना चाहिए कोरियोग्राफर को। डांस करना तो मैं ये समझता हूँ कि जो डांस अब हो रहा है ना, डांस तो आज पूरा बंद, पूरी फिल्म एडिट पे बनती है, आप शूट करते हो सारा कुछ, फिर सारा जिम्मा सारा मलबा एडिटर पे आ जाता है। और अब आई एम सॉरी, जो जनरेशन है कोरियोग्राफर्स बहुत बहुत ब्रिलियंट है, माशाल्लाह बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन वो जो एक कैमरा के आए से चीज को शूट करवाना होता है वो बहुत से लोगों के पास सेंस नहीं, और वो चीज व्यूअर्स एक्सपीरियंस से ही आती है, विदाउट एक्सपीरियंस कैमरा का जो लेंसेज होते हैं ना, ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लेंसेज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेंज के लेंसेज होते हैं। कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनको वो लेंस सूट ही नहीं करता, कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनको वो लेंस सूट करता है। कि अगर आप 100 में आते हैं या 85 में आते हैं या 135 में आते हैं, ये क्लोज के लेंसेज हैं। वो अब कौन से लेंस में कौन सा आर्टिस्ट कितना अच्छा लग रहा है, कुछ आर्टिस्ट हैं जिनके फेस भारी हैं, कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनके फेस छोटे हैं, अब उनको किस लेंस से यूज़ करना है, ये सारी दिस इज कॉल्ड कोरियोग्राफी। इट्स नॉट जस्ट स्टैंडिंग देयर और किसी को डांस कराना, वो तो आप यूट्यूब पे भी सीख लेते हैं। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शाज़िया जी का फेवरेट सॉन्ग सुनेंगे। शाज़िया जी का अपना फेवरेट जो सॉन्ग है वो हमको सुनाएंगी, और पता नहीं पप्पू भाई इस दौरान क्या कर रहे होंगे, अजीम भाई तो डेफिनेटली खड़े हुए होंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो हमने आपको थोड़ा सा दिखाया है व्यूअर्स, व्हाट एन अमेजिंग मैशअप। आहो डाउनलोड ये वो हर बंदे की फोन में इतनी हिम्मत नहीं होती, बट व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और वैसे भी व्यूअर्स आपको यूट्यूब पे और ऑनलाइन जो ऑफिशियल साइट्स है उन पे जाके वीडियोस को देखना चाहिए, क्योंकि इसका बेनिफिट आर्टिस्ट को होता है जब आप उसको डाउनलोड करके एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। नो डाउट वो एक अच्छी चीज है, बट अगर आप लिंक शेयर करें तो वो एक बेहतर ऑप्शन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। शायद उसके बारे में क्या बताओगी, ये क्या एकदम से सूजी के मैशअप करें? एक्चुअली मैं अमेरिका में थी जब टूर पे, वहीं पे हम मेरी मुलाकात हुई सामर ईसा खेलवी से, अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब के बेटे, और मेरा बड़ा प्यारा माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा, अच्छा इंसान, और उनको मैनेज कर रहे थे टोटल मल्टीमीडिया, बादब बादब बामलाइजा होशियार बादब और बाअदब, इसमें कोई शक नहीं। बड़े बाप का बेटा, बड़े है बाप का बेटा। नहीं हर बड़े बाप का बेटा ऐसा नहीं होता, बड़े कम लोग होते हैं, लेकिन जो अपने बाप की इज्जत को देखते हैं वो ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही होते हैं। भाई आप एक इस चीज का क्लासिक एग्जांपल हैं, सावल एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है इस चीज का, शान इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस, बट हर बड़े बाप का बेटा जो है वो बाप का नाम नहीं रोशन करता। बट हुआ ये कि एक्चुअली जब हम लोग मिले तो
मैंने सावल में एक बहुत अच्छी बात देखी जो मैं यहाँ आप सबको ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी। हर गाने वाला ज़रूरी नहीं होता कि वो सीखने वाला भी हो। वो सीखने का उसको इंतहाई शौक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसको मैनेज कर रहे हैं टोटल मल्टी मीडिया वाले, सनी मल्लिपा जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी अपनी कंपनी है। अभी मुझे भी वो इंटरनेशनली वही मैनेज कर रहे हैं, तो मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो उन्होंने कहा चलो यार कुछ डिफरेंट करते हैं, हमने कहा एक मैशअप करके एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं कैसा जाता है। तो ये आपके सामने नतीजा है, हमने कोशिश की। सावन डिड अ ग्रेट जॉब, टोटल मल्टी मीडिया सबने बहुत ग्रेट ग्रेट जॉब, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सोचिए अब हमें क्या सुनाएंगी। अभी तो मैं सुनाऊंगी, उससे पहले दो लाइनें सुनाऊंगी। तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई हार। क्या बात है। ओ बेवफा, वाह, तू ही बता क्या कहने, कैसे भुला दूं तेरा प्यार। तेरी आँखों ने क्या कहने लूटा है मुझको, वाह, जीत के मैं तो गई हाँ। क्या बात है, क्या आपके लिए स्पेशल, क्या बात है। अच्छा तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा ब्रेक की तरफ चलते हैं। चलें चलें। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बिल्कुल एंड में जीम भाई हम आपको एक मिनट का वक्त देंगे कि खबरदार आपने बताया मैं कौन से सन में पैदा हुई थी। हाँ ये नहीं आपने नहीं बताना कि 1942 में रखना है, वो नहीं, तो इन्होंने मुझे सन पे भेज दिया। ये पैदा हुए हैं और 1945 में मैं पैदा। देखिए आपने नहीं बताना 1932 इनकी तारीख है पैदाइश, आपने बस 19-20 का रखना है। नहीं नहीं अभी डेड हो गए हम, इस बात के बाद हम लाइफ से डेड हो गए हैं। हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, वैसे भी निकालने कपड़े पहने हैं इनकी फरमाइश पे, तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इन दोनों यंग स्प्राइटली क्यूटीफाइज का क्या फ्यूचर है बताएंगे हमारे बड़े सीरियस अजीम भाई। ओह माय गॉड, बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले बाय बाय सैलॉन, हेलो एंड फ्रेंच। जी हाँ, अब आप भी जीत सकते हैं एंड फ्रेंच की तरफ से एक अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर, और उसको जीतने के लिए आपको हमें 20 सेकंड की वीडियो भेजनी पड़ेगी ऑन 03209463502। 20 सेकंड तक की वीडियो होनी चाहिए, उसमें आपने कहना क्या है और बनानी कैसे वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले एंड फ्रेंच हेयर रिमूवल का एक बेहतरीन ऑप्शन है, एक पेनलेस, मतलब आप बिल्कुल कोई पेन या दर्द का एलिमेंट इसमें नहीं है। आप एंड फ्रेंच का इस्तेमाल करते हैं 3 से 5 या 3 से 6 मिनट के आपके टोटल हेयर रिमूवल हो जाता है, और उसके साथ साथ एक बहुत ही प्यारी फ्लोरल यानी कि रोज की खुशबू, एंड आपकी स्किन जो है 2 times सॉफ्टर हो जाती है। आइए वीडियो देखते हैं जिस किस्म की आपने बनानी है ताकि आप भी हमारी इस कॉम्पिटिशन का हिस्सा बन सकें। वाओ, कौन सा सैलून? बाय बाय सैलून, हेलो एंड फ्रेंच। जी हाँ, बाय बाय सैलॉन, हेलो फ्रेंड एंड फ्रेंच। आपने कह के हमें वीडियो भेजनी है और आप जीत सकते हैं ये अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर। नाम, फोन नंबर और मेलिंग एड्रेस आपने जरूर हमारे साथ शेयर करना है। अजीम भाई, ये जो दोनों नौजायदा से प्यारे से बच्चे हैं, नहीं नौजायदा तो नहीं है, थोड़े से तो बड़े हो गए, उसे सेमी नौजायदा बच्चों के बारे में क्या कहेंगे? शाजिया मंजूर का फ्यूचर क्या है? हाँ बताओ। अच्छा, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। बता देता हूँ पप्पू भाई के बारे में। मैं जब पहले स्टार्टिंग में बात हो रही थी, अच्छा जो स्टार्टिंग में आपने मजदूरियाँ बड़ी की हैं, लीस्ट काम बड़े आपने किए हैं। हाँ। किए हैं कि नहीं किए करियर के स्टार्ट में? किए सबने लीस्ट काम, बिल्कुल मजदूरियों वाले काम इन्होंने किए हैं। जितनी बड़ी फैमिली, जितने बड़े घराने से आई, इनको सोच भी नहीं सकते थे, और आपने अपना बहुत कुछ खोया अभी उस दौर में, और वो खो के आपने कहा नहीं, हिम्मत नहीं हारी। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो भी ब्रेक में मैं आपको बता रहा था, बताएं। नहीं नहीं, थोड़ा सा पास्ट बताना जरूरी होता है कि आप में बर्दाश्त की कुव्वत बहुत ज्यादा है। अल्लाह माफी दे, बर्दाश्त की कुव्वत बहुत ज्यादा है, ऐसा ही है। वेरी गुड। हाँ, और वो चीजें बर्दाश्त कर लेते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, किसी को कह नहीं सकते एज ए टीचर, एज ए उस्ताद। अच्छा शाजिया जी के बारे में थोड़ा सा आपकी इजाजत से, सबसे शाजिया जी आप में एक बड़ी बुरी बात है,
बहुत माशाल्लाह बहुत सी बात है, बहुत बुरी बात ये इसको काफी मैं बता सकती हूँ। अच्छा वो बुरी बात गिरा देती है ये। आपको गुस्सा आता है और वो दो तीन मिनट का होता है और मेरी तरह का होता है कि दो तीन मिनट का गुस्सा और उसके बाद आपको खुद ही रोना आ जाता है किसी बात पे, सुकून आ जाता है, सुकून आ जाता है। मैं किसी न किसी काम से चुवाज के आप भी सुकून चाहिए। नहीं उसमें ये है कि करियर वाइज अगर आपका देखा जाए ना तो आगे जैसे ही आपका फरवरी और मार्च स्टार्ट हो रहा है यहाँ से आपकी कंटिन्यूस ट्रैवल स्टार्ट हो रही है पूरे साल के लिए आपकी भी और आपकी भी माशाल्लाह। कोई ऐसे वेंचर्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं मुझे भी ले जाएं काम कर रहे थे। हाँ मेरा वर्ल्ड टूर स्टार्ट हो रहा है, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मैं साथ यानी कि 2022 इन दोनों का साल है बिल्कुल। मुझ मस्कीन का भी थोड़ा सा भी डिले है, बेड़ा ही गरक रहे, बात ही नहीं करनी है। कल आपको मैं बुलाती हूँ शो पे, आपकी तबीयत साफ करती हूँ। कल अजीमा हमारे साथ होंगे, जब इतने बड़े सुपरस्टार्स थे तो लाइव कॉल लेने का वक्त नहीं था। व्यूअर्स आई एम सो सॉरी, कल इंशाल्लाह आपकी कॉल्स देंगे। मैंने अजीमा से बहुत रिक्वेस्ट की है ब्रेक में कि आपने कल हमारे साथ जरूर होना है। अगर शाजिया का धरना चल रहा हुआ तो शायद शाजिया भी कल हमारे शो का हिस्सा हो सकती है। पप्पू भाई ने कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं की, सुबह बड़ी मुश्किल हमने इनको जगाया है, बाकायदा एक पूरी बाल्टी ये हम सबको आपने बड़ी मुश्किल से गोल्ड बकेट वाला चैलेंज किया है। खातून खास खाने के क्या हालात हैं? दम ऑलमोस्ट लग चुका है, मैं बस दो मिनट में निकाल रही हूँ। बाद सुरीला खाना ना हो। नहीं ओके डोंट वरी। अब सब कुछ समेटते हुए शाजिया जी हमें कुछ सुनाते सुनाते भेज दें। कहाँ? 24 घंटे की छुट्टी। कहाँ जाना चाहती हो बच्ची? बहुत दूर मैम, पप्पू भाई से बहुत हेवन, हेवन में जाना हेवन। आइए जी हेवन हेवन। और बाय द वे टिकटॉक पे मैंने एक बड़ी फनी वीडियो लगाई है शाजिया जी की रील।